हर नौजवान जिहड़ा वह गुरु के लिखे भी लगेगा वह कौमी संघर्ष भी करेगा क्योंकि सिख नौजवानों हुण लंबा समा सिक्खी तो दूर नहीं रखा जा सकता। 84 का माहौल तुसीं दसो भी इत्थे किहड़ा 84 का माहौल आ रहा दुबारा? नौजवान जे सिक्खी नाल जुड़ के वापस नशे छड्ड देणगे तो 84 का माहौल की आजूगा? तो 84 का माहौल साडे लई कोई माड़ा माहौल नहीं सी। नौजवान नशे नहीं सी करते, टीके लगने से मरते, संघर्ष करके मरते। सत श्रीकाल जी, तुसीं बने हो रोजाना टाइम्स के नाल, मैं तरनदीप सिंह। अज गुरु की नगरी अमृतसर साहब विखे भाई अमृतपाल वालों वड्डा इकट्ठ रख्या गया सी, जिथे ठाठा मारदा इकट्ठ संबोधन कर रहे ने अमृतपाल, जिथे उन्होंने वड्डा बयान दिता है कि जो 1984 का दौर सी उदों काला दौर नहीं सी, काला दौर तो हुण चल रहा है, सरेआम नशे दे नाल नौजवान पीढ़ी नशे दे विच गर्क रही है। जदों 84 का दौर सी उदों नौजवान अमृत सक रहे हैं, सकते सी शहादत नूं गल लाउंदे सी। अमृतपाल ने 3 नवंबर नूं वड्डा इकट्ठ रख्या सी अकाल तख्त श्री अमृतसर साहब विखे नौजवानों नूं अमृत सुकाउण दे लई। अज ठाठा मारदा इकट्ठ गुरु की नगरी अमृतसर इकट्ठा होया है। नौजवान इत्थे पहुँच रहे हैं, हुंगारा भी चंगा देंदे पे ने, नौजवान देंदे पे ने हुंगारा। तो आने वाले समय च लगता है कि हर नौजवान कितने ना कितने पंजाब दे विच गुरु दे लड़ लगेगा। देखो, हर सिख ने खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए हर सिख ने खुआरी झल के गुरु को ही आना है। सो इस करके हर नौजवान जिहड़ा वह गुरु के लिखे भी लगेगा, वह कौमी संघर्ष भी करेगा क्योंकि सिख नौजवानों हुण लंबा समा सिक्खी तो दूर नहीं रखा जा सकता। मैं कोई असी इस बार कोई डाटा नहीं रखिया, पिछली बार भी नहीं रखिया, वो क्योंकि उत्थे ही जाके पता लगेगा। श्रोमणी कमेटी असीं 9 बजे सद्या से करके 12 बजे शुरू होना। पंजाब दे नौजवानों नूं लोकां नूं अपील कीती सी कि आप गुरु वाले बनो, किन्ना हुंगारा मिलिया। देखो, बहुत पिंडां दे विच वी अमृत संचार हो रहा, जिथे समागम च गए हैं 2-2, 4-4 सौ नौजवान उत्थे अमृत छक रहे हैं, बीबीआं भैणां रल के। सो असीं ये कहने भी जरूरी नहीं भी इसे तख्त ते आके छकना, तुसीं जिथे भी अमृत संचार तुहाडे लागे हो रहा उत्थे अमृत छकना जाके, तो अमृत छक के गुरु के सिंह बनना। ये हर महीने आप अमृत संचार महाराज की कृपा के नाल इतने होया करूगा, इतने ही नहीं होर तख्तों भी होया करूगा, जिथे भी होया करूगा होका दया करेंगे संगत पहुँचा करूँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कितना सहयोग दिया जा रहा? नहीं, देखो उन्होंने सहयोग, ये गुरु का स्थान है, कमेटी वह प्रबंध देख रही है। असी अमृत संचार की गल की है, कोई होर तो गल की नहीं, तो उन्हों का फर्ज बनता है। हजे प्रबंधा के बारे सूँ बहुता पता नहीं, पर यह आ भी जो की ना लईदा वा जदों हो जूगा उत्तों बाद दसांगे। अमृतपाल जी, एक आवाज कटौती भी है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने की सुनेहा देना चाहते, कहते 84 वाला दौर फिर कोशिश करी जा रही है? मैं तो तुहानू बेनती करदा कि जिहड़े इहो जिहियां बेसिक गल्लां करदे उन्होंने गड़ी माइक ना करिया करो। 84 का माहौल तुसीं दसो भी इत्थे किहड़ा 84 का माहौल आ रहा दुबारा? नौजवान जे सिक्खी नाल जुड़ के वापस नशे छड्ड देणगे तो 84 का माहौल की आजूगा? तो 84 का माहौल साडे लई कोई माड़ा माहौल नहीं सी। नौजवान नशे नहीं सी करते, टीके लगने से मरते, संघर्ष करके मरते, शहीदी प्राप्त करते। सो शहीदी का दर्जा बड़ा उच्चा होंदा है। ये माहौल काला दौर कह के असी भंडिया है, साडे लई सुनहरा दौर है। ये तो कल नूं कोई कह दूगा चमकौर की गढ़ी दे विच काला दौर आ गया सी, कोई कह दूगा भी बंदा सिंह बहादुर ने काला दौर लैंदा पंजाब च आके। सो इस करके ये दौर चिट्टा ही है, अज जिहड़ा चिट्टा दौर चला लिया आपां वो किन्ना सहायक है। सो इस करके लोगों को समझना चाहिए जिहड़े इहो जिहे गुलामी सब तो वड्डी यह है। कल एक निहंग सिंह नौजवान नू यूपी दे विच बइयां ने ट्रेन च सुट के कतल कर दिता। कोई पंजाब दी खब्बे पक्खी धिर बोली भी सिखां नाल धक्का हो रहा, कोई बोलिया भी सिखां नाल धक्का हो रहा, क्यों नहीं बोलते? जे कि सिखां ने किसी भइये दे चपेड़ भी मारी होंगी तो इन्हें धरने मोर्चे लाने से, इतने भइये सिखां दीआं पंगा ला के उन्होंने कुट रहे आ। तो हुण तुसीं देखो भी जे सिखां ने गाड़ियों जवाब दे दिता फिर सारे चीकां मारनी, मैं पहला कहना हुण बोल पाओ, बाद च ना बोलियो, बाद फिर जिहड़े बोलन वाले आ वह भी विचे, मतलब उन्हां दा भी जुगतान होगा विचे ही। मैं ये गल कहना भी श्रोमणी कमेटी जो संघर्ष करना चाहती है संघर्ष करे, भी सेंटर के अधीन या कानून के अधीन साड़ी कमेटी नहीं चल सकती, सिखां दी सॉवरन कमेटी है, सिखां दी कमेटी आपे फैसले करे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनावे, आप मतलब अपना जिहड़ा जज बिठावे आप फैसले करे। नहीं देखो, जे तो दिल्ली हुकूमत के खिलाफ कितने भी करना है विरोध का कोई तौर तरीका हो, जो कोई कहे काले लीड़े पा के चल जाओ, मैं नहीं कम कर सकता। हाँ, यह है भी जो कोई संघर्ष करना है तो हकों लिए संघर्ष करना है तो पंजाब की चढ़ती कला करना उत्थे पहुँचा। पंजाब का सब तो वड्डा मुद्दा गुलामी का मुद्दा है, पंजाब के उत्ते गुलामी है, पंजाब नूं दबना चाहुंदे आ। देखो यो ही गुलामी तो जो आप भय तो मुक्त हो गए अमृत छक के नौजवानों अपील की है, जो डर ना रहा अंदर मौत का डर ना रहा तो फिर कोई नहीं गुलामी, आपे दूर नहीं गुलामी की चीज़ होंगी, गुलामी डर जो जी।
ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ 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 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਤਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਅਮਲ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਸਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ। 500 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ।